जिसकी दोस्ती की मिसालें पहुंचती हैं काबुल से काबा। उसे प्यार से सब बुलाते हैं अली बाबा। जब परवाज में 40 चोरों का खौफ हुआ करता, इंसान का दिल ही नहीं उनकी रूह कांप उठती थी। कि सरगना का नाम जानते हो? इबलीस। हेलो दोस्तों, बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले सुपरस्टार आमिर खान अब बहुत जल्द एक फैंटेसी पीरियोडिक ड्रामा फिल्म लेकर आने वाले। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुपरस्टार आमिर खान की लगभग सभी फिल्मों में बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करती है, साथ ही उनकी फिल्मों में जबरदस्त स्टोरी भी देखने को मिलती है, और यही कारण है कि उनको मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। और अब एक बार फिर आमिर खान एक ऐसी जबरदस्त फिल्म लेकर आने वाले हैं जो कि आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। जी हाँ, फिल्म का नाम होने वाला है अली बाबा। बता दें कि आमिर खान की ये फिल्म फैंटेसी ड्रामा फिल्म होने वाली है जो कि एक फेमस स्टोरी इंस्पायर्ड है, और उस स्टोरी का नाम है अली बाबा 40 चोर। बताया जा रहा है फिलहाल इस फिल्म की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म पर जल्दी से काम शुरू किया जाएगा। बात करें कास्ट की तो इसमें आमिर खान अली बाबा के रोल में नजर आने वाले हैं, और उनके साथ फीमेल लीड में फातिमा साना शेख और सान्या मल्होत्रा नजर आएंगी। साथ ही बॉलीवुड के कुछ बड़े एक्टर्स भी इस फिल्म में काम करने वाले। वेल, बात करें इस फिल्म की डायरेक्शन की तो दोस्तों सुनने को मिल रहा है कि इस फिल्म को बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर ओम राउत डायरेक्ट करने वाले हैं, जो कि पहले भी आदि पुरुष और ताना हाजी जैसी ड्रामा फिल्म बना चुकी है। इसी के साथ बात करें फिल्म की प्रोडक्शन की तो फिल्म को आमिर खान प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया जाएगा। खबरों की माने तो इस फैंटेसी फिल्म का बजट 170 करोड़ होने वाला है, जिसमें ही कि हमें हैवी वीएफएक्स और सीजीआई सीन्स देखने को मिलने वाले हैं। फैंस का मानना है कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा का सारा रिकॉर्ड तोड़ देगी। अब देखना यह होगा कि ये आमिर खान अपनी इस फिल्म के साथ बॉलीवुड में अपनी वापसी कर पाते हैं या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े ऐसी मजेदार अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस न